सो हेलो स्टूडेंट्स टूडी आएम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन इंटग्रेशन ऑफ एक्सक्वायर प्लस वन इन डिविजन देर इज एक्स रेस्ट टू दार फोर प्लस वन एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड बाई आर्यन फ्रॉम आरम्भ बैच इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले हमने इसको एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया नोमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सक्वायर से ऐसा समझिए कि मैंने एक्सक्वायर कॉमन लिया यहाँ से तो अंदर वन बच गया और यहाँ वन था तो इसके एक्सक्वायर में डिवीजन में चले गया अगर आप एक्सक्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट उसके बाद नीचे भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया एक्सक्वायर आपस में कट सकते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट किया वन अपॉन एक्स को बी स्क्वायर की तरह ट्रीट किया है वन अपन स्क्वायर को तो ये आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस टू ए बी क्योंकि जब भी आप इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी से कट जाएगा रिजल्ट इक्वल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी ए बी यानी कि इसका इसका मल्टीप्लीकेशन आपको कितना देगा वन रिजल्ट देगा